हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इजी एंड क्विक रेसिपी पोहा चेवड़ा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये कम समय में फटाफट बन जाता है। पोहा का चेवड़ा खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। और दोस्तों, आज की बोनस टिप जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पोहा चिवड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पतला पोहा। फिर मैंने लिया है 2 चम्मच ऑयल, आधा चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच स्ट्रेट ड्राई कोकोनट और दालिया मतलब रोस्टेड चना का दालिया। फिर मैंने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच पीनट, 2 हरी मिर्च जिसे मैंने स्ट्रेट कट कर लिया है और 10 से 12 कड़ी पत्ता। अब हम गैस ऑन करके पैन गरम करेंगे। अब हम इसमें पोहा डालेंगे। पोहा को 5 से 7 मिनट इस तरह मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेकना है। ये देखिए, पोहा का कलर चेंज हो गया है, मतलब पोहा अच्छे से सीख गया है। रोस्टेड पोहा को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये देखिए कितना क्रिस्पी है। इस तरह से पोहा को रोस्ट करना है। अब हम इसका चिवड़ा बनाएंगे। अब हम गैस ऑन करके फिर से पैन गरम करेंगे। फिर इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन तेल में अच्छे से सीख जाए फिर इसमें सिंगदाना ऐड करेंगे। सिंगदाना को ऑयल में अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए, सिंगदाना का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें कोकोनट के पीसीस और चना का दाढ़िया ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड करके सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारे सारे मसाले अच्छे से सीख गए हैं। अब हम इसमें पोहा ऐड करेंगे। फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाले पोहा में अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक इसे इस तरह से चलाते रहना है। सारे मसाले अच्छे से पोहा में मिक्स हो गए हैं। ये देखिए कितना मस्त कलर आया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। हमारा इंस्टेंट इजी एंड क्रिस्पी पोहा चेवड़ा बनके तैयार है। फ्रेंड्स, ये खाने में क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। तो देखा आपने, ये कितने कम समय में फटाफट बनके रेडी हो गया। फ्रेंड्स, आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और ट्रैवलिंग में भी लेके जा सकते हैं। आप इसे 10 से 15 दिन स्टोर करके रख सकते हैं। ये पोहा चेवड़ा बच्चों और बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अब मैं आपको बताऊंगी आज की बोनस टिप। पोहा चिवड़ा बनाने के लिए आप अजवाइन की जगह राई और जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी आपके पोहा चिवड़ा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। और दोस्तों, मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।